हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रसोई अड्डे में आप लोग का स्वागत है। हम आज बनाएंगे पनीर का टिक्का। तो हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया, बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया इसको ऐसे, और थोड़े से शिमला मिर्ची ले लिया, और प्याज भी ऐसे क्यूब्स करके इसको निकाल लिया मैंने, और थोड़े से शिमला मिर्ची पीली और रेड वाली भी पड़ा था हमारे पास, हमने ले लिया। तो आपके पास है तो डालिए, नहीं तो हरा जो कैप्सिकम है इसमें भी काम चल जाएगा, और प्याज में टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन नीचे का जो अंदर का जो हिस्सा है वो निकाल के आपको फिर डालना है। तो चलिए इसका जो मसाला रेडी करते हैं हम। तो हमने ये दही छान लिया था, दही मैंने छन्नी में छान लिया, ताकि आप चाहे तो पतले कपड़े हैं जल्दीबाजी में मैं इसमें छान लिया, लेकिन ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसको कढ़ी वगैरह बना सकते हैं आप। तो मैंने ये दही ले लिया, गाढ़ी दही, और इसको हमने पनीर कम है तो दही कम डालिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 चम्मच डाला मैंने, आप चाहे तो कम ज़्यादा डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, और मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर 1 चम्मच डालनी है, छोटी स्पून है, अदरक लहसुन पेस्ट 1/2 चम्मच डाल दी, और मैंने बेसन भून करके ले लिया था, बेसन में 2 चम्मच हल्का सा रोस्ट किया था, बेसन 2 चम्मच डाल दिया। आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चापन थोड़ा सा हटा के डालिएगा तो बेस्ट रहेगा। और थोड़ा सा कसूरी मेथी है वो डाल रही हूँ मैं, आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो मत डालिए। और ये रेड चिल्ली पाउडर जो दीघी मिर्ची है वो थोड़ा तीखी कम होती है, तो इसके लिए ये डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच करीब डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, जिन्हें तीखी खाना पसंद है तो थोड़ा सा तीखे डाल सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे थोड़ा तीखी मिर्ची भी डाल रहे हैं। और बाकी रह गया सरसों की ऑयल, सरसों की ऑयल हमने गरम करने रख दिया, तो वो एकदम गरम होना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए सरसों के तेल में। तो इसमें फ्रूट कलर जो है वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हल्दी नहीं डाल रही हूँ, तो फ्रूट कलर जो है वो आपके पास है तो डाल सकते हैं। सरसों की ऑयल जो है वो इसको एकदम धुआं निकलना चाहिए, तब जा कर के डालिएगा। ये पैन में मैंने धुआं निकल रहा है, देखिए सरसों का तेल इसमें, ये मैं डाल रही हूँ इसमें, इसमें अभी वो भी बनाएंगे हम जो पनीर का जो टिक्का, तवे में सेकेंगे, मतलब फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं आप, तो इसको हम इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसको अच्छा तरह से मिक्स करना है, और नमक एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़, तो नमक बाद में नहीं डाल सकते हैं। अभी इसको हमने मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए इसका एकदम ठीक कला वो हो गया, ठीक मसाला हो गया एकदम से, चाहे
है तो और थोड़ा बेसन डाल सकते हैं आप, क्योंकि उसका जो कोट है ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा पतला दिख रहा है, लेकिन ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, देखिए ये एकदम बढ़िया सा बन गया मसाला इसका कोट करने के लिए। अब हम इसमें एक एक करके सब डाल देंगे, तो आराम आराम से इसको भी मसाला को मिक्स करने हैं, क्योंकि पनीर हमारा टूटे ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कलर कैसे आ रहा है ना, एकदम बढ़िया सा मार्केट जैसा, वाओ। ये देखिए आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट से भी अच्छा घर में बन सकता है अगर कोशिश करिएगा तो। हम यहाँ पे एक कोयले का टुकड़ा कटोरी के अंदर हम रख देंगे इसमें, बस यही असली है। इसके बाद तो सेंकना आप लंबी बड़ी सीख से भी सेक सकते हैं, छोटे में भी तवा में भी सेक सकते हैं, चूल्हा के ऊपर डायरेक्ट भी सेक सकते हैं, तो कैसे भी आप सेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये मसाला का जो कोटिंग अच्छा होना चाहिए और मसाला अच्छा हम यहाँ पे रखते हैं एक कटोरी, छोटे से कटोरी है, हम रख देते हैं इसको। सॉरी दोस्तों, इसमें एक चम्मच आप खटाई की जगह में आमचूर भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो हम नींबू थोड़ी सी यूज करेंगे और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नहीं तो चाट मसाला आप यूज कर सकते हैं। जिन्हें ज़्यादा खटाई पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो नाम के लिए ऐसे थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा नमक मिर्ची भी कम है, मैंने अभी चेक किया था तो उसको मैंने नमक मिर्ची भी थोड़ा डाली, तो इसको अच्छा से और एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा एकदम से कोटिंग इसका अच्छा होना चाहिए। इसका बना बनाया मसाला भी मार्केट में मिलता है, मार्केट में भी बना बना मसाला के साथ आप कोटिंग कर सकते हैं, वैसे घर में भी बना करके कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हमारा पनीर जो है, पनीर टुकड़ा आपको पानी से निकाल के एकदम सूखा होना चाहिए, और अगर पानी में डाल करके भी रखे हैं तो रात को आप ऐसे छान करके रख दीजिएगा, पनीर एकदम सूखी होने चाहिए। और बाकी इसमें दही भी एकदम गाढ़ी होनी चाहिए। हमने ये कटोरी इसमें रख दिया, अभी रखेंगे इसमें कोयला एक टुकड़ा, जैसे एकदम धुआं निकल रहा है इसका। इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे,
देखिए इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे तो वो धुआं निकल कर आएगा, और इसमें हम ये ढक देंगे तो एकदम तंदूर जैसा बन जाएगा थोड़ी देर में। आप भी ऐसे बनाइएगा ज़रूर। धीरे धीरे धुआं आ रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट हो गया। अभी हमने कोयला रख दिया था इसके अंदर, ये देखिए कैसे धुआं निकल रहा है। और थोड़ी देर ढककर रहने देते हैं इसको, फिर थोड़ी देर में इसको निकाल लेंगे। और मैरिनेट तो अभी 10-15-20 आधा घंटा 2 घंटा आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना देर रखेंगे उतना टेस्टी सा बनेगा। तो चलिए आगे मिलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, अभी थोड़े थोड़े और भी धुआं है निकल रहा है, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड करूंगी, अभी 15-20 मिनट हो गया इसका, थोड़ा गरम मसाला डालूंगी अब, और थोड़ा मैं ब्लैक पेपर जो है, जो काली मिर्ची बोलते हैं उसको, पीसा हुआ है वो मैं थोड़ा डालूंगी। चिकन टिक्का भी सेम तरीका है, आप बना सकते हैं इसको। और एक बार मैं मिक्स करके और 10-15 मिनट के लिए और एक बार मैं ढक दूंगी, और वाओ कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, तंदूर जैसे पनीर तंदूर वैसे आ रहा है। इसको और 15 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ। चलिए दोस्तों, हमने अभी ये पनीर का क्या हाल है देख लेते हैं एक बार। इसको हमने अभी थाली में इसको एक एक करके, ये मेरे पास टूथपेक है, टूथपेक में इसमें मैं अभी बड़े वाला सिक भी ले सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। ये देखिए वाओ कितना अच्छा हो गया मैरिनेशन। और इसका मैंने आधा घंटा 1.5 घंटा करीब रख दिया तो एकदम से अच्छा हो गया। देखिए इसको ऐसे करके एक एक सहारे में, टूथपेक की सहारे में इसको एक एक करके प्याज और शिमला मिर्ची और पनीर ऐसे डालते जाना है। पनीर हमेशा बड़े टुकड़ा रखना है ताकि टूटे ना। देखिए ऐसे करके हमने इसको एक एक करके सारे बना लेंगे। छोटे टूथपेक जो है ये हम इसलिए लिए हैं ताकि एक एक पीसेस इसमें आराम से आ जाता है और खाने में भी आसान रहता है इसमें, तो इसलिए इसको चुना है मैंने। आप चाहे तो बड़े वाले सीख भी ले सकते हैं, लोहे की, स्टील की और ये लकड़ी की, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ऐसे करके एक एक करके हमने बना लेनी है, और उसकी मदद से चिमटा की मदद से आप चूल्हा में भी सेक सकते हैं, और उसमें भी आप फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे भी करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमने फ्राई पैन रख दिया और सरसों की ऑयल डाली और सारे ऐसे बना लिया, एक एक करके सीक में डाल लिया मैंने। इसको हमने अभी एक एक करके इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो चिमटा का मदद से इसमें भी कर सकते हैं चूल्हा में, और जिनके पास तंदूर है वो तो कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगी। लोहे की सीक चाहिए बनना उसमें, नहीं तो लकड़ी का सीक जो है वो जल जाएगी आपकी। देखिए एक एक करके हमने डाल दिया, एकदम खुलो आँच में पकाना है इसको, अभी पकने देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका क्या हाल है।
से हमने इसे कलर देने हैं, जो कि एकदम पतला सा दिख रहा है इसमें। बढ़िया सा एकदम थोड़ा चूल्हा एकदम धीमा रखिएगा ताकि जल जल ना जाए, एकदम स्लो आंच में पकानी है इसको। देखिए कितना अच्छा सा पक रहा है, इसको ऑयल कम रखिएगा नहीं तो ये ऑयल में ज़्यादा बिखर जाएगा। और दो तीन हम डाल देते हैं इधर, इसको भी पकने देते हैं अभी। दूसरे से करते करते चार तरफ हमने पलट पलट लिया, ये देखिए। और अगर आपको चूल्हा में भी सेकना है तो आप ऐसे चिंता में उठाइए इसको, एक एक पीस करके ऐसे करके घुमा घुमा के आप सेक सकते हैं। देखिए और ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाली, क्योंकि उसी में डाली थी मैंने गरम करके मैरिनेट के टाइम में, और इसमें आधी चम्मच करीब डाली, एकदम कम ऑयल में से फटाफट एकदम घुमा घुमा के इसमें भी फ्राई पैन में भी अच्छे से सेक सकते हैं आप। चलिए आप बनाइए खाइए, फैमिली के साथ इंजॉय करिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।